नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली है। इस चेतावनी अडानी ग्रुप को दिए जाने वाले पेमेंट में देरी के कारण है। दरअसल गौतम अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का कुल 800 मिलियन डॉलर यानी 80 करोड़ डॉलर का कर्ज है। इसमें से करीब 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 4200 करोड़ रुपए का पेमेंट ओवरड्यू हो गया है। यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अडानी पावर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि उनकी बांग्लादेश सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही है और उन्हें इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह तक बांग्लादेश पर कुल 3.7 बिलियन डॉलर की बिजली देनदारी थी। इसी रिपोर्ट में मोहम्मद यूनिस ने टॉप ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर ने कहा कि देश पर अडानी का 800 मिलियन डॉलर तक का बकाया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में हुए कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़े मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI तब गुस्सा गए जब वे वकील उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने लगा। उन्होंने फौरन उसे टाइट किया और कहा वो आवाज की पिच को कम करे। CJI वकील कौस्तु बागची के आचरण से खींच गए और उन्हें अपनी आवाज कम करने के लिए कहा। दरअसल बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने बागची का जिक्र करते हुए कहा ये सज्जन आपके सामने हैं, मेरे पास विरोध प्रदर्शनों पर पथराव करते हुए उनके वीडियो और तस्वीरें हैं। सिब्बल ने कहा कि उनके पास ये साबित करने के लिए वीडियो और तस्वीरें हैं कि वकील ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की घटना के विरोध में पथराव किया था। वकील का नाम कौस्तुभ बागची है और वो BJP नेता भी बताए जा रहे हैं। सिब्बल के पत्थर फेंकने के आरोप का जवाब देते हुए बागची ने अपने खिलाफ सिब्बल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और ऊंची आवाज में कहा कि एक वरिष्ठ वकील अदालत में इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं। इस पर CJI चंद्रचूड़ भड़क गए और कहा कि क्या आप अदालत के बाहर गैलरी को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। CJI ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं पिछले 2 घंटों से आपके आचरण पर गौर कर रहा हूं। CJI ने कहा कि क्या आप पहले अपनी आवाज कम कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात सुने, अपनी आवाज कम करें, आप अपने सामने 3 न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे हैं ना कि दर्शकों को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर इन कार्रवाई को देख रहे हैं। इसके बाद वकील ने बेंच से माफी मांगी। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच लोकपोल ने महाराष्ट्र को लेकर सर्वे किया है। सर्वे में कांग्रेस, शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला गठबंधन MVA बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। सरकार बना सकता है तो NDA पीछे है। हालांकि सर्वे में NDA और MVA में टक्कर का मुकाबला दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी MVA को 141 से 154 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं NDA को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं। लोकपोल के सर्वे में वोटों के साथ वोट परसेंटेज भी बताया गया है। वोट परसेंटेज में MVA को 41% से 44% वोट मिल सकते हैं, वहीं BJP के नेतृत्व वाले NDA को 38% से 41% वोट मिल सकते हैं। वोट परसेंटेज में काफी टक्कर का मुकाबला है। अगर 3% मार्जिन ऑफ एरर लें तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। राहुल ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में सवाल किया कि क्या आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी है। राहुल के सवाल पर सन्नाटा छा गया। इसके बाद राहुल ने खुद बताना शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है तो यहाँ हर दिन लाखों करोड़ों एकलव्य कहानियां हैं। हुनर जानने वाले लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें काम करने या पनपने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ये हर जगह हो रहा है। कौशल का सम्मान करना और उन्हें वित्तीय और तकनीकी रूप से समर्थन देकर ही आप भारत की क्षमता को उजागर करेंगे। आप केवल 1-2% आबादी को सशक्त बनाकर भारत की शक्ति को उजागर नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हुए BJP और RSS पर हमलावर हुए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से BJP और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का डर समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि RSS मानता है कि भारत एक विचार है जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना हुआ है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है।
राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान लाखों लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का डर समाप्त हो गया है। ये भारत के लोगों की उपलब्धि है जिन्होंने बताया कि हम भारत के संविधान पर किसी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में भारत की बेरोजगारी और उसे कैसे खत्म करें ये भी बताया और बताया कि ऐसे करें तो चीन से हम आगे निकल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे कारोबारियों की बात की और कहा कि हाल ही में सिर्फ 25 लोगों बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ किया गया है। क्या आपको एहसास है कि उस रकम से कितने उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं? कृषि लोन माफी मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन बिना कुछ बोले 16 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों के माफ कर दिए गए, और वो पैसा किसका है? ये करदाताओं का पैसा है, आपकी जेब से आ रहा है। 25 बड़े लोगों को इतना बड़ा मुफ्त उपहार क्यों मिलना चाहिए? एक ही व्यक्ति को सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए? जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों से संसाधन छीन रहे हैं। एक व्यवसाय द्वारा सभी हवाई अड्डों को चलाने और दूसरे द्वारा सभी बंदरगाहों को चलाने के बजाय आपके पास 10, 15, 20 चलाने वाले होने चाहिए। ये मोनोपोली आर्थिक गतिविधि के विनाश की ओर ले जाती है। राहुल गांधी महिलाओं के मुद्दे पर भी बोले। राहुल ने कहा कि महिलाओं के पास खास मुद्दे हैं जिनका हमें उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए समाधान करने की जरूरत है। पहला कदम है महिलाओं को पुरुषों के बराबर देखना, ये स्वीकार करना कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, और उनकी ताकत को पहचानना। ये बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक टकराव का हिस्सा है। भाजपा और आरएसएस का मानना है कि महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, घर पर रहना, खाना बनाना और कम बोलना। हमारा मानना है कि महिलाएं जो कुछ भी करना चाहती हैं उसके लिए उन्हें आजाद होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी बताया कि उनका नेता विपक्ष के रूप में क्या लक्ष्य है। राहुल ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में मेरी भूमिका भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को शामिल करना है। मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सभी दलों में जो कमी है वो है प्रेम, सम्मान और विनम्रता। अगर आप आज से 5 साल बाद मुझसे पूछें कि क्या मैं खुद को सफल मानता हूं, तो मैं इसे इन 3 चीजों से मापूंगा। क्या मैंने प्रेम के विचार को भारतीय राजनीति में सबसे आगे लाने में मदद की है? क्या मैंने स्वयं सहित राजनेताओं को अधिक विनम्र बना दिया है? और क्या मैंने भारतीय लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाया है? अमेरिका में राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया है। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे और देश की राजनीति को बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने मेरा राजनीति को देखने का नजरिया बदल दिया है, इसने मेरा देशवासियों को देखने का नजरिया बदल दिया, इसने मेरा उनके साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, साथ ही मैं लोगों की बात को कैसे सुनता हूँ इस चीज में भी बदलाव आया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब बदलाव सिर्फ मुझ में ही नहीं आए बल्कि जितने भी लोग यात्रा में शामिल हुए उन सब में ये सारे बदलाव आए। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान ही मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक चीज जो हमने प्लान नहीं की थी वो इस यात्रा की सबसे शक्तिशाली चीज रही, वो थी राजनीति में प्रेम, मोहब्बत के विचार की शुरुआत करना। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आज तक राजनीति में कभी भी मोहब्बत, लव का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। राजनीति में बस नफरत, हेट, गुस्सा, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसे शब्द मिलेंगे, लेकिन शायद ही कभी प्यार शब्द इस्तेमाल होता था। राहुल गांधी ने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति को बदल दिया और राजनीति में मोहब्बत को शामिल किया, और मैं इस बात से हैरान हूँ कि इस आइडिया ने कितनी अच्छी तरह काम किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर भी अमेरिका में बोला। उन्होंने इस मुद्दे को वहां भी नहीं छोड़ा और इस पर बोले। अमेरिका में राहुल ने आरएसएस पर निशाना साधा तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह यहां भड़क उठे। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लिया, जिसके बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी ने केवल मोहन भागवत की कही गई बातों को ही दोहराया। मोहन भागवत ने अक्सर भारत की महिलाओं को रसोई तक, घर की दीवारों तक खुद को सीमित रखने और बाहर ना निकलने की सलाह दी। पवन खेड़ा ने कहा कि तो मोहन भागवत की ही कही गई बात को कह देने में ऐसा क्या गलत है?
क्या बीजेपी इंद्रो मोहन भागवत के इतने खिलाफ है कि वो ये नहीं चाहते कि हम उनकी बात का जिक्र तक करें? पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस को भारत की कोई समझ नहीं है। उन्होंने भारत के संविधान का भी आखिर तक विरोध किया था। जब वो संभव नहीं हो पाया तब जाकर उन्होंने संविधान को स्वीकार किया। उन्होंने 52 साल तक तिरंगे का भी विरोध किया था। क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भागते दिखे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे। इसमें 20 छात्र घायल हुए। मैतेई समुदाय के छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। रविवार को किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सोमवार को सुरक्षा बलों ने ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी। इसके बाद भी छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ डटे रहेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। स्टूडेंट्स 1 और 3 सितंबर को मैतेई इलाकों में हुए ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उनसे राज्य छोड़कर जाने की मांग की। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है। रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन, घर जल रहे हैं और परिवार उजड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीनों तक इस तरह जलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक नहीं की जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, यह अनिवार्य दायित्व तो है। प्रधानमंत्री की उदासीनता अक्षम्य है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की सरकार दोहरा खेल ना खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ना करे। अखिलेश ने आगे कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगते? जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि बीजेपी सरकार किस तरह से नई लिस्ट को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना और सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा न इनकी सगी है न उनकी। बीजेपी को अभी तक आरएसएस ही सबक सिखा रहा था, अब तो मोदी के सांसद भी बोलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर दुर्ग से सांसद बने विजय बघेल ने सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मोदी की गारंटी की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मैं घोषणा पत्र समिति का संयोजक था। इस दौरान मैंने राज्य के हर कोने में जनमानस से संपर्क किया था। इसी दौरान कर्मचारियों से भी मिला और उनकी समस्याओं को जानने के बाद उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करवाया। लेकिन सरकार बनने के बाद कई महीने बीत जाने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सांसद विजय बघेल ने राज्य पेंशनर्स महासंघ की बैठक कर साफ कहा कि कर्मचारियों की मांगों को ज्यादा दिन तक मत उलझाइए, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अब अगर कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो मैं उसमें खुद भी शामिल होऊंगा। विजय बघेल ने कहा कि मेरी कोशिश है कि मोदी की गारंटी झूठी ना हो। उन्होंने साफ किया कि मेरे इस बयान को आप लोग मीडिया में भी दे सकते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने जहां सरकार को घेरा है तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दूसरे वरिष्ठ नेता और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे सीमेंट कंपनियों को निशाने पर लिया है। लिया सीमेंट कंपनियों को है, लेकिन लोग इसको अडानी से भी जोड़ने लगे हैं।
छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में तेजी से इजाफे पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने विरोध जताया। उनका कहना है कि सीमेंट निर्माताओं के इस कदम पर तत्काल रोक लगाई जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रति बोरी 50 रुपए बढ़ाने से सड़क, भवन, पुल, स्कूल, कॉलेज और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पर असर पड़ेगा। बीजेपी सांसद ने छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने का अनुरोध किया है। बता दें, जैसे ही सीमेंट की बात आई, सबका ध्यान गौतम अडानी की ओर चला गया। मालूम हो कि गौतम अडानी सीमेंट के किंग बनने जा रहे हैं। वो ज्यादातर कंपनियों में पैर जमा चुके हैं। अडानी ग्रुप ने इस सेक्टर में तेजी से विस्तार किया है और कई कंपनियों को खरीद लिया है। साल 2022 में अडानी ग्रुप ने होलसिम के सीमेंट कारोबार को खरीदने में बाजी मारी थी। ये सीमेंट इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर एंड एग्जीबिशन था। अडानी ग्रुप ने हैदराबाद की कंपनी पेन्ना सीमेंट को 10,422 करोड़ रुपए में खरीदा। अडानी ग्रुप ने अंबुजा और ACC सीमेंट की हिस्सेदारी भी खरीदी। इस सौदे से अंबुजा सीमेंट को श्रीलंका में भी प्रवेश करने में मदद मिली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई के हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM अजित पवार के साथ एक बैठक की। बैठक में क्या हुआ इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शाह ने भाजपा के दोनों सहयोगियों को आश्वासन दिया कि राज्य चुनावों में महायुति के बीच विधानसभा सीटों को सम्मानजनक तरीके से बांटा जाएगा। बता दें, चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने अजित पवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी CM अजित पवार को अपने कुछ राजनीतिक कामों पर पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं है। राउत ने दावा किया कि NCP नेता अपने घर बारामती से ही आने वाले विधानसभा चुनाव में हार जाएंगे। राउत का बयान तब आया है जब अजित पवार ने हाल ही में पब्लिक में माना था कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी बहन सुप्रिया के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतारकर गलती की। उन्होंने कहा था कि राजनीति घर में नहीं घुसनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा में गठबंधन पर गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसने 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें से 11 ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जिनके लिए कांग्रेस ने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले सोमवार सुबह ऐसी रिपोर्टें थीं कि दोनों दलों के बीच गठबंधन की शाम तक घोषणा हो सकती है और सीट बंटवारा तय हो सकता है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। हरियाणा में अपनी हैसियत से अधिक सीटें मांगने वाली आम आदमी पार्टी के राज्य इकाई प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गुप्ता ने कहा कि दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हाल में गैर हिंदुओं को चेतावनी देने वाले बोर्ड लगे थे। इसमें रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों को चेतावनी दी गई थी। उनके गांव में घुसने या घूमने को बैन किया गया था। बैन का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की बात कही गई थी। वैसे तो इन बोर्डों पर समस्त ग्रामवासी की आज्ञा से पर लिखा था, लेकिन कई ग्रामीण इससे सहमत नहीं है। ग्रामीण तो कहते हैं कि पहले उन्होंने ऐसी चीजें नहीं देखी थी। तो सवाल है कि अब ये कैसे होने लगा है और कौन ये सब कर रहा है। मैकांडा की प्रधान चांदनी देवी के पति प्रवीण कुमार ने कहा कि गांव में ये अभियान पिछले एक साल से चल रहा है। उन्होंने इंडिया एक्सप्रेस से कहा कि एक हफ्ते पहले मेरे गांव में कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया था, जिसके बाद मुझे पुलिस से फोन आया कि हम सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ किलोमीटर दूर शेरसी गांव में नाई की दुकान चलाने वाले 28 वर्षीय नदीम ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, लेकिन ऐसी चीजें पहली बार हो रही हैं। खुद को हिंदुत्व समर्थक संगठन भैरव सेना के जिला अध्यक्ष बताने वाले एक स्थानीय निवासी अशोक सिमवाले इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैंने सुरक्षा चिंताओं के कारण बाहरी लोगों को रोकने के लिए 2 महीने पहले शेरसी में बोर्ड लगाया था। हाल के दिनों में मंदिरों से लोगों द्वारा चोरी की घटनाएं हुई हैं। हमें संदेह है कि वो व्यापार करने के बहाने बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया को मिली धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई धमकी मिली है तो उसकी जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, रविवार को बजरंग पुनिया ने खुद को धमकी दिए जाने के मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बजरंग की शिकायत के मुताबिक उनको किसी विदेशी नंबर से धमकी मिली है, जिसमें उनको कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें, बजरंग और विनेश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश को हरियाणा के जुलाना से विधायकी का टिकट दिया गया है, तो वहीं बजरंग को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का चेयरमैन पद सौंपा गया।
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर से सुनवाई की। सीजीआई डीवा चंद्रचूड़ और जस्टिस जेवी पारधीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को फिलहाल 17 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सीजीआई ने इस मामले में सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीजीआई ने रिपोर्ट्स में पीड़िता की मौत के समय और उसके बाद की गई अप्राकृतिक मौत एंट्री पर स्पष्टीकरण मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता रेप कांड को लेकर होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 23 लोगों की जान चली गई है। सोमवार को यह जानकारी कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दी। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है और बताया कि जिस वक्त डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, हड़ताल पर थे, उस वक्त 23 लोगों की जान चली गई। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर दवाओं पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। अब कैंसर दवाओं पर 12% की बजाय 5% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया। इसराइल ने सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के अनुसार इसमें 16 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि 36 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि वो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे आपराधिक हमला करार दिया है। अमेरिकी चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट होने वाली है। इस डिबेट को लेकर ट्रंप के कैंपेन वाले चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप उस तरह का खेल बिगाड़ सकते हैं जिसने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वोटर्स को निराश कर दिया था। कैंपेन वाले अब ये देखेंगे कि उन्हें डिबेट में खुश ट्रंप मिलेंगे या गुस्सैल ट्रंप। बता दें, मंगलवार की रात को होने वाले टेलीविजन डिबेट को काफी खास क्षण के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि जो बाइडेन रेस से बाहर हो गए हैं और अब कमला हैरिस पर पूरा दारोमदार है। हालांकि ट्रंप के लोगों की चिंता ये है कि अगर डिबेट में ट्रंप गुस्से में आ जाते हैं, अगर ट्रंप मंच पर निराश हो जाते हैं, तो कमला हैरिस पर बेहुदगे बयान देने वाले ट्रंप की सबसे खराब प्रवृत्ति सामने आ सकती है और इससे ट्रंप को नुकसान हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।